हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल द टेलीग्राफर पे। और आज हम आपको ले जा रहे हैं पौंडीचेरी, जिसको हम पुडुचेरी के नाम से भी जानते हैं। पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है जो चेन्नई से सिर्फ 3 घंटे दूर है। और पौंडीचेरी फेमस है अपने ब्यूटीफुल बीचेस के लिए, और वहाँ का खारा भी लाजवाब है। बीचेस के अलावा पौंडीचेरी में जो टेम्पल्स है और चर्चेस है वो भी बहुत खूबसूरत है और देखने लायक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो पौंडीचेरी में। मैं आपको 3 दिन का आइटिनरी दूंगा और उसके हिसाब से अगर आप घूमोगे तो आप लगभग पूरा पौंडीचेरी घूम सकोगे आराम से। हमने पौंडीचेरी में 3 नाइट्स का स्टे किया था, तो आई थिंक सो 3 नाइट्स जो है पौंडीचेरी के लिए काफ़ी आइडियल है। अगर आप भी आओगे तो 3 नाइट्स रख के आना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने के लिए और हो सकता है कि आपको पौंडीचेरी के बीचेस से इतना प्यार हो जाए कि आप और एक्स्ट्रा दिन स्टे करना चाहो। तो आज का हम पौंडीचेरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। पौंडीचेरी या पुडुचेरी जाने के लिए आप चेन्नई तक का फ्लाइट ले सकते हो, जैसे कि हमने किया था, या फिर आप सीधा पुडुचेरी का भी फ्लाइट ले सकते हो। हमारा सुबह 7 बजे का फ्लाइट था, इसलिए हम 4 बजे ही घर से निकल गए थे ताकि हम 5 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाएं। दिल्ली से चेन्नई का जो फ्लाइट होता है वो लगभग 2.5 घंटे का होता है, इसलिए हम करीबन 10 बजे तक चेन्नई पहुंच चुके थे। चेन्नई एयरपोर्ट लैंड करते ही आपको चेन्नई से पौंडीचेरी जाने के लिए कैब का इंतजाम करना पड़ेगा। या तो आप अपना कैब प्री बुक कर सकते हो, या तो आप कैब एयरपोर्ट में ही बुक कर सकते हो, या फिर जो लास्ट ऑप्शन है वो है उबर का ऑप्शन। मैंने उबर का ऑप्शन चूज किया था क्योंकि उबर आपको 3000 के अंदर आपको पहुंचा देगा पौंडीचेरी तक, आपके होटल तक। और अगर आप चाहो तो बस से भी जा सकते हो पौंडीचेरी, लेकिन बस स्टैंड जो है वो एयरपोर्ट से काफी दूर है। पौंडीचेरी में फर्स्ट डे के स्टे के लिए जो हमने रिजॉर्ट बुक किया था उसका नाम था द अशोक बीच रिजॉर्ट। इस रिजॉर्ट के रूम्स जो है वो काफ़ी फैंसी नहीं थे, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये था कि इसके सारे रूम्स जो है वो बीच फेसिंग है। इन बीच रिजॉर्ट्स में रूम लेने का फायदा ये होता है कि इन रिजॉर्ट्स के अपने प्राइवेट बीचेस होते हैं, तो आप उन प्राइवेट बीचेस पर जा सकते हो और अपने तरीके से एंजॉय कर सकते हो। बाकी पब्लिक यहाँ पे नहीं आती, तो आप जितना चाहे वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो हमारे रूम के बालकनी से जो व्यू था वो कुछ इस तरह से था और ये काफ़ी खूबसूरत था। तो इन बीच रिजॉर्ट्स में जो आपका खर्चा है वो थोड़ा ज़्यादा ही आता है, लेकिन फ़ायदा यही होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यूज़ मिलते हैं वहाँ से। तो ये है हमारा रिजॉर्ट, और रिजॉर्ट के सामने जो बीच है वो ये है, और ये वो सी है, तो आपको यही व्यू मिलता है। और वो मंजू है, हाय बोल रही है, तो यही व्यू आपको मिलता है सारे रूम से उस रिजॉर्ट में। और ये बीच का एक्सेस जो आपको जो आपके पास होता है वो होता है फ्रॉम मॉर्निंग 6:30 टू इवनिंग 6:30। पौंडीचेरी का जो हमारा पहला डेस्टिनेशन था साइट सीइंग का, वो था ऑरोविल। ऑरोविल बेसिकली एक टाउनशिप है जहाँ पे सारे लोग अपने सारे डिफरेंसेस को हटाकर एक साथ यूनिटी में रहते हैं। यहाँ का जो मेजर अट्रैक्शन वो है मैत्री मंदिर, जो एक बेसिकली एक गोल्डन डोम है और देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। लेकिन उस डोम तक पहुँचने के लिए आपको बहुत चलना पड़ता है, और अगर आप चलने के लिए तैयार नहीं हो तो आप बहुत ज़्यादा थक सकते हो। काफ़ी देर चलने के बाद और कुछ पिट स्टॉप्स लेने के बाद हम फाइनली पहुँच गए थे मैत्री मंदिर व्यूइंग पॉइंट तक, क्योंकि मैत्री मंदिर के अंदर जाना उस समय अलाउड नहीं था। आप मैत्री मंदिर के अंदर भी जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 2 दिन पहले ही टिकट बुक करना पड़ता है। सरप्राइजिंगली वापस आने के लिए हमको एक बस मिल गई थी, तो मैत्री मंदिर से लेकर जो ऑटो का पॉइंट है वहाँ तक हमको बस मिल गया था। क्योंकि हम चल चल के बहुत थक गए थे, इसलिए हम चले गए थे सीधा कैफे, और वहाँ पे हमने किया हमारा उस दिन का लंच। ऑरोविल में ही जो आपको 2 बीचेस विजिट करने चाहिए वो है सेरेनिटी बीच और ऑरोविल बीच। ये दोनों ही बीचेस काफ़ी सुंदर है, तो आप ये दोनों बीचेस विजिट कर सकते हो फर्स्ट डे में ही। और इसी के साथ हमने हमारा फर्स्ट डे जो बहुत ही ज़्यादा यादगार रहेगा वो डे हमने ख़त्म किया पौंडीचेरी में। सेकेंड डे हमने प्लान तो किया था कि हम जल्दी उठेंगे और सनराइज़ का मज़ा लेंगे, लेकिन शायद हम इतना थक गए थे कि हम टाइम से उठ नहीं पाए। तो हम चले गए थे हमारे बीच की तरफ जहाँ पे काफ़ी सारे फिशिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी। यहाँ पे क्रैब स्टिंगरे वगैरह तक पकड़ा हुआ था, तो ये देख के हमको काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा था क्योंकि हमने ऐसा कुछ ऑब्वियसली दिल्ली में तो देखा है नहीं। करीब 11 बजे हम लोग ने हमारे होटल से चेकआउट किया और हम पहुंच गए थे पौंडीचेरी, जो सेंट्रल पौंडीचेरी है वहाँ पे, और वहाँ पे हमने सीधा बुक किया एक स्कूटर। पौंडीचेरी में जो घूमने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है वो है कि आप एक स्कूटर बुक करो और पूरा पौंडीचेरी आप घूमो उसी स्कूटर में, क्योंकि यहाँ पे कैब वगैरह अगर आप बुक करोगे तो आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। पौंडीचेरी में हम लोग स्कूटी लेके हम निकल पड़े, और जो हमको पहला जगह दिखा जो हम घूम सकते हैं वो था पुडुचेरी म्यूजियम। ये म्यूजियम काफ़ी अच्छा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि पुडुचेरी म्यूजियम एक मस्ट विजिट जगह है पौंडीचेरी में, लेकिन अगर आप जाते हो तो आप विजिट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है भारती पार्क, वहाँ पर एक ग्रीक रोमन स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो। इसमें भी ज़्यादा कुछ खास है नहीं देखने के लिए, लेकिन आप थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो।
इसी जगह पे हमको एक शेल के शेप में एक वाटर टैंक मिला था, जो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बट इस टैंक में पानी था नहीं पीने के लिए। ये सारे जो स्पॉट्स हैं ये आपके व्हाइट टाउन के बहुत ही नजदीक है, और व्हाइट टाउन तो आपको मस्ट विजिट है अगर आप पौंडिचेरी जाते हो तो। व्हाइट टाउन घूमने का जो सबसे ज्यादा मजा आता है वो आता है टू व्हीलर में, तो आप ना टू व्हीलर ले सकते हो और पूरा व्हाइट टाउन घूम सकते हो। यहाँ का फ्रेंच आर्किटेक्चर जो है आप उसका मजा ले सकते हो। पूरा व्हाइट टाउन जो है वो काफी विजुअली अपीलिंग है, आपको बहुत जगह पे फोटो खींचने का मन करेगा, जो आप बिल्कुल कर सकते हो। व्हाइट टाउन में ही आपको एक क्राफ्ट बाजार भी मिलेगा, अगर आप चाहो तो आप वहां से कुछ चीज खरीद सकते हो, कुछ छोटे मोटे सिविनियर वगैरह जो है आप वहां से ले सकते हो। पूरे पौंडिचेरी में जो सबसे फेमस बीच है वो है प्रोमिनाड बीच, और ये व्हाइट टाउन से एकदम सटा हुआ है। प्रोमिनाड बीच को रॉक बीच भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी सारे ब्लैक रॉक्स आपको मिल जाएंगे, और इसके बगल में ही एक प्रोमिनाड सा बनाया हुआ है जहाँ पे ना कोई गाड़ी आ सकती है, तो आपके लिए जो वॉकिंग के लिए जो जगह है वो काफी ज्यादा है, और आप पूरा जो आपका दोपहर है या शाम अगर जब भी आप चाहो तो एक दो घंटा आप यहाँ पे बिता सकते हो, कंफर्टेबली वॉक कर सकते हो, आपको कोई डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पे आएगा नहीं। जब आप प्रोमिनाड बीच घूमोगे तो आपको काफी सारे कलरफुल बिल्डिंग्स दिख जाएंगे जहाँ पर आप फोटो वगैरह भी खिंचा सकते हो, और यहीं पे एक लाइट हाउस भी है जो यहाँ का पुराना लाइट हाउस है, वहाँ भी आप घूम सकते हो। प्रोमिनाड बीच खुद में काफ़ी बड़ा है, और जो पूरी पौंडिचेरी की भीड़ आती है सबसे ज़्यादा यहीं पे आती है, और यहाँ पे गांधी जी का स्टैचू भी है, और इसी के वजह से इस बीच को गांधी बीच के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी के स्टैचू के पीछे ही आपको बहुत सारे ब्लैक रॉक्स वगैरह मिलेंगे, वहाँ पे आप फोटो वगैरह भी खिंचा सकते हो। प्रोमिनाड बीच में जब आप चलते रहोगे तो आपको वहाँ पे एक फ्रेंच वॉर मेमोरियल भी मिलेगा, तो आप वो भी विजिट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। उसके अलावा जब आप चलते रहोगे प्रोमिनाड में आपको काफ़ी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स मिलेंगे, उसमें से एक जगह ये है जहाँ पर आप बहुत अच्छे फोटो खिंचा सकते हो, यहाँ पे आपको हर कोई मिलेगा फोटो खिंचाते हुए, तो हमने भी यहाँ पे फोटो खिंचाया। इस पूरे एरिया में आपको येलो कलर के बिल्डिंग्स बहुत सारे मिलेंगे, इनफैक्ट यहाँ का जो पब्लिक टॉयलेट है वो भी येलो कलर का ही है। व्हाइट टाउन से कुछ दूर आपको मिल जाएगा एक खूबसूरत सा चर्च जिसका नाम है इमैक्युलेट कंसेप्शन कैथेड्रल। ये चर्च जितना बाहर से खूबसूरत है उतना ही अंदर से भी सुंदर है, तो आप ये चर्च जरूर विजिट कर सकते हो। जो दूसरा चर्च आपको विजिट करना चाहिए वो है द सेक्रेट हार्ट बेसिलिका, ये भी काफी सुंदर चर्च है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं विजिट करने के लिए, और ये रात को बहुत खूबसूरत लगता है। व्हाइट टाउन और उसके आसपास के सारे जगह घूमने के बाद हम निकल पड़े थोड़ा सा दूर, जहाँ पर हमको मिलेगा पौंडिचेरी का एक लौता ब्लू फ्लैग बीच। इस बीच का नाम है ईडन बीच, और बेसिकली जो ब्लू फ्लैग होता है वो एक सर्टिफिकेशन होता है जो आपको मिलता है FEE के तरफ से। ईडन बीच का जो एंट्री है वो काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी अलग सा है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होते हुए दिख जाएंगे जो बच्चों के लिए हो रही होंगी। और ये वो ब्लू फ्लैग है जो ईडन बीच को मिला है, और ये एक लौता बीच है पूरे पौंडिचेरी में जिसको ब्लू फ्लैग मिला है। ईडन बीच खुद में काफ़ी खूबसूरत बीच है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया, क्योंकि इसको व्हाइट सैंड बीच भी बोला जाता है, लेकिन इसका जो सैंड था वो व्हाइट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे एक और बीच है जिसका नाम है सेरेनिटी बीच, लेकिन आप ईडन बीच से सेरेनिटी बीच चलते हुए नहीं जा सकते, और अगर आप ये करते हुए पाए गए तो 1000 तक का फाइन आपको देना पड़ सकता है। ईडन बीच के जस्ट बाहर आपको काफ़ी सारे फूड के ऑप्शंस मिल जाएंगे, मैंने यहाँ पे प्रॉन खाया था और मुझे ऑलमोस्ट लाइक 14 पीसेस ऑफ प्रॉन मिला था सिर्फ 100 रुपीज़ के लिए, जो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। और यहाँ का फिश और प्रॉन दोनों बहुत ही फ्रेश और बहुत ही टेस्टी थे। ईडन बीच से वापस जाते वक्त हमने सोचा कि एक मंदिर विजिट किया जाए, क्योंकि पौंडिचेरी में जो मंदिर है वो रात को काफ़ी सुंदर दिखते हैं, यहाँ पे रात को काफ़ी अच्छा पूजा वगैरह भी होता है, तो अगर आप जाओगे तो रात को ज़रूर मंदिर विजिट करना, क्योंकि यहाँ की जो वाइब्स होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। उसके अलावा जो सेक्रेट हार्ट बेसिलिका का जो चर्च है उसका हमने रात का नज़ारा देखा जो काफ़ी खूबसूरत था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग वगैरह होती है तो आप वो देख सकते हो। और कुछ टेस्टी साउथ इंडियन स्टाइल पानीपुरी के साथ हमने हमारा सेकेंड डे ख़त्म किया। थर्ड डे हमने हमारा ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद हमने किया कुछ बहुत ही स्पेशल चीज़, हम चले गए थे एक ऐसी जगह जहाँ से हम जाने वाले थे मैनग्रोव फॉरेस्ट्स। वैसे तो हमारा प्लान था पिचावरम जाने का, जो कि है पौंडिचेरी से अराउंड 70 किलोमीटर्स दूर, लेकिन क्योंकि बारिश होना शुरू हो रहा था इसलिए हमने वो प्लान ड्रॉप किया, और पौंडिचेरी में ही हमको पता चला कि वहाँ पर भी मैंग्रोव्स है और वहाँ पर भी बोट राइड्स जाती है। तो ऐसे ही एक बोट राइड पे हम गए जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलूँगा। मैंग्रोव विजिट करते करते काफ़ी बारिश हो गई थी, और हमारे चारों तरफ जो नज़ारा था वो काफ़ी खूबसूरत था, और ऐसा कुछ तो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो ये हमारे लिए काफ़ी नया और यादगार एक्सपीरियंस था।
मैनग्रोव्स में एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस के बाद हम चल पड़े थे बारिश में ही हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो था अरिकमेडू। अरिकमेडू बेसिकली एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, जैसे कि PS2। तो ये जगह भी आप विजिट कर सकते हो, और अगर आप ये बोट राइड लेते हो जो आपको लेना चाहिए तो ये जगह भी आप ज़रूर विजिट करना। जो ये पूरा बोट राइड का एक्सपीरियंस होता है वो अराउंड 1.5 घंटे का होता है, और इसका जो कॉस्ट होता है वो होता है सिर्फ 600 रुपीज़ पर पर्सन। ये टोटली वर्थ इट है और ये आपको बिल्कुल करना चाहिए अगर आप पौंडीचेरी जाते हो तो। मैनग्रोव्स घूमने के बाद हम चले गए थे चुनाम्बर बोट हाउस, जहाँ से हम लेने वाले थे एक फेरी जो हमको पहुँचाने वाली थी एक और सुंदर बीच जिसका नाम है पैराडाइज। पैराडाइज बीच जाने के लिए फेरी एक अच्छा ऑप्शन है, और फेरी के लिए आपको जो टिकट मिलता है वो मिलता है चुनाम्बर बोट हाउस से। पैराडाइज बीच आप रोड से भी जा सकते हो, लेकिन फेरी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप पौंडीचेरी आए हो तो। फेरी का मज़ा तो आपको लेना चाहिए। जैसे ही आप पैराडाइज बीच पहुंचने वाले होंगे आपको दिखेगा ईडन बीच भी। जैसे कि मैंने आपको कहा था, ईडन बीच और पैराडाइज बीच एकदम एक दूसरे के आसपास है, और आप चल के भी जा सकते हो, लेकिन उस तरीके से जाना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है और आपको फाइन तक देना पड़ सकता है। पैराडाइज बीच खुद में ही बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हैपनिंग बीच है। आप यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह भी ला सकते हो और पिकनिक मना सकते हो, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना खूबसूरत ये बीच है उतना ही खूबसूरत आप इसको छोड़ें और इसमें कुछ लिटर वगैरह ना करें। पैराडाइज बीच घूम के जब हम वापस आ रहे थे तो आपको कहा गया था कि इसी बोट हाउस की वजह से चुनाम्बर बोट हाउस को उसका नाम दिया गया है। आई डोंट नो ये कितना सच है, बट हमको यही बोला गया था। पैराडाइज बीच के बाद हम चले गए थे एक और बहुत खूबसूरत बीच जिसका नाम था मरीना बीच। मरीना बीच आपको चेन्नई में भी मिलता है, लेकिन पौंडीचेरी का मरीना बीच भी उससे ज़्यादा सुंदर है। यहाँ का जो सबसे खूबसूरत चीज़ लगा मुझे वो था यहाँ का ब्लैक रॉक्स। ये बहुत ही पिक्चरेस्क व्यू देता है आपको पूरे बीच का, और यहाँ से आप बहुत अच्छे अच्छे फोटोज़ वगैरह भी खींच सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो। मरीना बीच में ही आपको खाने के लिए काफ़ी अच्छा इंतज़ाम मिल जाएगा। ऐसा खाने का इंतज़ाम शायद मैंने पौंडीचेरी में किसी और बीच में देखा नहीं था, और क्योंकि आप पौंडीचेरी आए हैं इसलिए हमें ट्राई किया कुछ सी फूड। मैंने ट्राई किया था ये गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स जो बेहद टेस्टी थे। मेरे हिसाब से तो ये मस्ट ट्राई चीज़ है अगर आप सी फूड खाते हो तो। यहाँ पे लंच करने के बाद हम चले गए थे बीच वाले एरिया में, और बीच घूमने के बाद हम चले गए थे एक ऐसी जगह जो मैंने बाहर से तो बहुत बार देखा है लेकिन अंदर से कभी नहीं देखा। हम गए थे ये लाइट हाउस के अंदर। ये लाइट हाउस का एंट्री का टिकट अराउंड 20 रुपये का था, और अगर आप ग्राउंड फ्लोर से ऊपर देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप कहीं बीच पहुँच जाओगे और वहाँ से नीचे देखोगे तो कुछ ऐसा, और अगर ऊपर देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। उसके बाद अगर आप सबसे ऊपर पहुंच जाते हो और वहां से नीचे देखोगे तो आपको तो काफ़ी डर भी लग सकता है। लाइट हाउस के सबसे ऊपर पहुंचने के बाद जो हमने नज़ारा देखा वो हमको ज़िंदगी भर याद रहेगा। हमने पौंडीचेरी का काफ़ी सुंदर नज़ारा देखा, और हमको पौंडीचेरी का जो सारे बीचेस है वो हमको यहाँ से अच्छे से दिखाई दे रहे थे। मरीना बीच घूमने के बाद हम पहुंच गए थे हमारे होटल, और उसके बाद टाइम आ गया था हमको हमारे वेस्पा स्कूटी को वापस करने का। लेकिन हमने सोचा कि हम अपना पौंडीचेरी का ट्रिप जो है ख़त्म करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत टेंपल विजिट करके, और हमने विजिट किया मनकुला विनायका टेंपल जो हद से ज़्यादा खूबसूरत है। आपको ऐसे टेंपल्स नॉर्थ इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, तो आपको ये टेंपल अगर आप पौंडीचेरी जाते हो तो मस्ट विजिट है। आपको ये आइटिनरी में हो सके तो टॉप पे रखना चाहिए। इसी के साथ हमने हमारा पौंडीचेरी का जो ट्रिप है वो हमने ख़त्म किया, और नेक्स्ट डे हम निकल चुके थे पौंडीचेरी से हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जिसका नाम था महाबलीपुरम। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। हम ऐसे ट्रैवल वीडियोस और बाकी वीडियोस भी डालते रहेंगे। आई होप आपको हमारा चैनल का वीडियोस पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। सी यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कीप ट्रैवलिंग।